नाम है आशु और आप देख रहे हैं एएच रेसलिंग चैनल। आज हम बात करेंगे द अंडरटेकर। पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस चैंपियन डेनियल प्रिस्ट ने हाल ही में कहा द अंडरटेकर रिंग में वापसी करते हैं तो वो उनका सामना करना पसंद करेंगे। द अंडरटेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतिहास के सबसे आइकॉनिक सुपरस्टार में से एक माना जाता है और 30 साल लंबी करियर के बाद उन्होंने साल 2020 में इन रिंग कंपटीशन से रिटायरमेंट ले लिया था। उन्होंने अपना आखिरी मैच WrestleMania 36 में एजे स्टाइल के खिलाफ लड़ा था। गिव मी स्पोर्ट को दिए इंटरव्यू में डेनियल प्रिस्ट ने बताया है द अंडरटेकर सामना करना चाहते हैं द अंडरटेकर से सामना करना चाहते हैं। बता दें डेनियल प्रिस्ट कई मौक़ों पर फिनोम को अपना पसंदीदा बता चुके हैं। ये देखना रोचक होगा कि डेनियल प्रिस्ट को भविष्य में द अंडरटेकर के खिलाफ मैच लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वेल्स में द अंडरटेकर के अगले शो का ऐलान किया है। एजे स्टाइल के खिलाफ आइकॉनिक बोनयार्ड मैच के बाद द अंडरटेकर रिटायर हो गए थे। इसके बाद टेक्सिस में WrestleMania 36-38 के पहले द अंडरटेकर को उनके दोस्त विंस मैकमैन द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया था। बता दें पिछले महीने समर सलाम से पहले डेडमैन ने एक शो भी किया था और एरिना में मौजूद फैंस को ये शो काफ़ी पसंद आया था। अब डब्ल्यू डब्ल्यू ई ने ऐलान किया है कि कार्डिव में क्लैश एट द कासल इवेंट से पहले द अंडरटेकर का डेडमैन शो का आयोजन किया जाएगा। इस शो को लेकर जारी किए गए स्टेटमेंट में बताया गया है अंडरटेकर डेडमैन शो में फिनोम को फीचर किया जाएगा। हॉल ऑफ फेमर में करियर के से जुड़ी अनसुनी कहानियां भी सुनने को मिलेंगी और इस दौरान एरिना में मौजूद फैंस को द अंडरटेकर से सवाल पूछने का भी मौका मिलेगा। यूके में मौजूद फैंस चाहेंगे कि द अंडरटेकर 3 सितंबर को होने वाले क्लैश एट द कासल में इवेंट में भी नजर आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।